वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ अवर करंट रनिंग चैप्टर एसएम कोर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एसएम कोर्स बाय इंस्पेक्शन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे निरीक्षण विधि से अनंत स्पर्शियां ज्ञात कर। इंस्पेक्शन को हम इंस्पेक्शन वर्ड का हम समझेंगे निरीक्षण, मतलब ओनली बाय सीइंग, केवल देखने से, कर्व की इक्वेशन को देखने से, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट अप्लाइंग एनी लिमिट। सिर्फ इंस्पेक्शन करने से हमको अगर किसी कर्व की एसिम्प्टोट मिल सकती है क्या, दिस इज द क्वेश्चन। तो द आंसर इज मिल सकती है, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हमेशा नहीं मिलेगी, नॉट ऑलवेज। तो क्या कंडीशन है देखिए, आप डिटेल में तो आपको ये आपकी बुक्स में मिल जाएगा, पूरा जो उसका टॉपिक है, थ्योरी है पूरी, मैंने यह शॉर्ट में लिखा है। देखिए आप, सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि कर्व की इक्वेशन एग्जैक्टली इस फॉर्म की होनी चाहिए। ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है fn प्लस p इक्वल्स टू जीरो, दिस इज कर्व, और वी कैन से कर्व्स इक्वेशन। नाउ व्हाट दीज टू टर्म्स रिप्रेजेंट, एफ एन प्लस पी इक्वल टू जीरो से हमको क्या मिल रही है, कर्व की इक्वेशन। अब इसमें एफ एन और पी ये दो एक्स वाई की टर्म्स हैं। कैसी टर्म्स हैं? पहले तो आप इधर नोटिस कीजिए, हमने क्या लिखा साइड में कि एफ एन कर्व की वो टर्म्स हैं जिनकी डिग्री एन है। अब एनथ डिग्री की टर्म्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एन इक्वल्स टू में तीन लेके बात करता हूं, तो तीन डिग्री की टर्म्स हम किसको बोलेंगे? नेचुरली आप उधर देखिए, तीन डिग्री की टर्म हम इसको बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर वाई, ये थ्री डिग्री टर्म्स है, इट कैन बी कॉल्ड बाई एफ थ्री। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर माइनस सेवन एक्स वाई और लिख देता हूं, और सपोज फिर मैं इसमें टू एक्स और लिख देता हूं, और सपोज इसमें मैं माइनस टेन और लिख देता हूं, तो नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस होल टर्म, होल एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या होगी? क्या इसकी डिग्री अभी भी तीन है? क्योंकि तो हम देखते हैं अभी होमोजीनियस नहीं रहा, टिल मैंने ये तीन टर्म्स लिखी थी तब तक कोई होमोजीनियस था थर्ड डिग्री का, लेकिन अब आगे ये टर्म सेकेंड डिग्री की है, ये टर्म फर्स्ट डिग्री की है, और ये टर्म जीरो डिग्री की है, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टेंट। तो अब समझने की बात ये है कि इस पूरे को मैं थ्री डिग्री का ही एक्सप्रेशन बोलूंगा, मतलब किसी भी एक्स वाई के एक्सप्रेशन को हम उस डिग्री से कॉल करते हैं, हम कहते हैं उसकी डिग्री वो है जो उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री है। जैसे आप यहां पर आप देखिए, देयर आर सिक्स टर्म्स, और हाईएस्ट डिग्री जो यहां पर है वो किसी भी टर्म की तीन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री थ्री कहलाएगी, और इस केस में इसको मैं एफ थ्री से डिनोट करूं। तो एफ एन कोर, एफ एन की डिग्री एन होने का मीनिंग समझ में आ गया हमारे को, क्या मीनिंग है कि एफ एन के अंदर एटलीस्ट एक टर्म तो एन डिग्री की होनी मस्ट है, अदरवाइज इसकी डिग्री फिर एन की हो कैसे होगी। और फिर साथ ही हम ये कंफ्यूजन भी यहां दूर कर दें कि अगर इसमें एटलीस्ट एक डिग्री एन टर्म की है तो इसमें अदर जो टर्म्स है वो एन से लोअर डिग्री की भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि एफ एन में सारी टर्म्स एन डिग्री की हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, फिर आप देखिए पी, वॉट इज पी हियर? पी इज एक्सप्रेशन कंटेनिंग एक्स वाई टर्म्स हूज डिग्री इज आइदर एन माइनस टू और लेस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मैं एन को थ्री लेकर ही बात करता हूं तो फिर
ये लाइन एन इक्वल्स टू थ्री के लिए क्या बनेगी, ये बनेगी डिग्री पी लेस देन और इक्वल्स टू वन। मतलब पी कैसा होना चाहिए, अब आइदर इट इज ऑफ वन डिग्री और लेस देन वन मीन जीरो डिग्री। इसका मतलब पी ऐसा भी हो सकता है एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव, और पी ऐसा भी हो सकता है। देखिए आपको एग्जांपल मैंने पी के लिए, इस केस में पी की डिग्री वन है और इस केस में पी की डिग्री जीरो है। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, पी की डिग्री कैसे होनी चाहिए, जब हमने एन को थ्री लिया तो थ्री के केस में ये एक्सप्रेशन बनेगा वन, डिग्री ऑफ पी इज आइदर वन और लेस देन वन। अगर एन यहां पर फोर होता तो ये बनता फिर टू, यानी उस केस में क्या होता, एफ एन में एटलीस्ट एक टर्म फोर डिग्री की होनी जरूरी थी, बाकी की फोर से कम भी हो सकती है, और डिग्री ऑफ पी आइदर टू और लेस देन वन का मतलब इट इज आइदर टू, इट इज आइदर वन और जीरो। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये तो डिग्री के संदर्भ में बात हो गई। यानी जब भी हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे, हम सबसे पहले कर्व की इक्वेशन को दो टर्म्स के सम में एक्सप्रेस या तो करीबी होगी या करेंगे, फिर ये जो दो टर्म्स हैं इनकी हम सबसे पहले इन डिग्रीज को चेक करेंगे क्या ये इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। फिर आप देखिए आगे क्या लिखा है, एक और कंडीशन इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करने की, हम क्या लिख रहे हैं कि एफ एन जो है इट कैन बी ब्रोकन इंटू एन लीनियर फैक्टर्स, एक घातीय, यानी इसके जितनी इसकी डिग्री है उतने ही इसके गुणनखंड होने चाहिए, और इनमें से हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि जो लीनियर फैक्टर होता है एक्स वाई का लीनियर फैक्टर, वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हम आगे ये रूल क्या कह रहा है कि ये जो फैक्टर्स है, दीज फैक्टर रिप्रेजेंट्स एन स्ट्रेट लाइन्स, एन फैक्टर है तो एन स्ट्रेट लाइन बनेंगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर आगे क्या लिखा है, नो टू ऑफ विच आर पैरेलल और कॉन्सिक्वेंट, मतलब इसके एन फैक्टर से जो एन स्ट्रेट लाइन मतलब रिप्रेजेंट हो रही है उनमें से कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ना तो पैरेलल होनी चाहिए ना कॉन्सिक्वेंट होनी चाहिए। अब इनका एग्जैक्टली और क्या डिटेल में मीनिंग है वो हम भी एग्जाम्पल लेके क्लियर करेंगे। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब हमारा ये रूल क्या कहता है, देन ऑल द एसेम्प्टोट्स ऑफ दिस कर्व आर गिवन बाय सिंपली एफ एन इक्वल्स टू जीरो। मतलब एफ एन इक्वल्स जीरो का मतलब कि जो एफ एन के हमारे एन फैक्टर हैं, यहां पर एन फैक्टर लिखे क्योंकि हमने ये वाली बात क्या कह दी, एन फैक्टर में से ईच फैक्टर को हम जीरो के इक्वल कर देंगे, इससे एन स्ट्रेट लाइन्स मिल जाएंगी और वो स्ट्रेट लाइन्स ही हमारी क्या होंगी, गिवन कर्व की एसेम्प्टोट्स होंगी। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से देखिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये अभी मैंने लिखा था पर बाय मिस्टेक इसको मैंने मिटा दिया। देखिए आप, ये एक कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए कर्व। अब आप सबसे पहले एक बार ध्यान में देखिए, आप जब भी आपको कर्व की इक्वेशन फैक्टराइज फॉर्म में गिवन हो, जैसे आप देखिए यहां फैक्टर है, तो आपको तुरंत यहां पर कॉशस हो जाना चाहिए कि यहां पर या तो लिमिट मेथड लगेगा या इंस्पेक्शन मेथड लगेगा। अगर ये सब टर्म्स मल्टीप्लाई करके लिखी हुई होती तब हम डेफिनेटली फर्स्ट मेथड लगाते जो हमने सीखा था एसेम्प्टोट फाइंड करने का, फाई एन एल मेथड, याद है आपको। अब देखिए आप, अब यहां पर सबसे पहले हम इस पार्ट को देखते हैं, कैन आई कॉल दिस पार्ट एज एफ थ्री, इसको मैं एफ थ्री से कॉल कब कर सकता हूं, जब इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करके सोचूं तो इसमें एटलीस्ट एक टर्म थर्ड डिग्री की है, तो हम देख सकते हैं ये एक्स इंटू एक्स से एक्स क्यूब बनेगा, तो ये एफ थ्री है। फिर अगर हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके सोचे तो उसमें थ्री से कम डिग्री की टर्म भी आएगी, तो वो तो हमने पहले ही अलाउ कर दिया कि हो सकती है, ठीक है। फिर आप देखिए, ये तो हो गया f3 एंड इट इज माई p,
कैन आई कॉल इट पी, आई कैन कॉल इट पी प्रोवाइडेड इसकी डिग्री 3-2 यानी आइदर ये 1 हो या 1 से लेस हो, इसकी डिग्री 1 है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिग्री F3 इक्वल टू 3 एंड डिग्री P इक्वल टू 1। हम लैंग्वेज यू लिखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म F3 प्लस P इक्वल टू 0 वेयर डिग्री F3 इज 3 डिग्री P इक्वल टू 1। फिर हम आगे रूल को जब हम पढ़ते हैं तो हम यहां पर क्या देखते हैं, F3 ये F3 है पूरा, क्या इसके 3 लीनियर फैक्टर्स या हैं, तो ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चंस तो ये और इस बात की और हमको कंफर्मली इंडिकेट करता है कि ये मेथड लगने जा रहा है। तो इस 3 फैक्टर्स को अगर हम मैं सेपरेटली 0 कर दूं तो ये तीनों फैक्टर 3 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनमें से ये तीनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये तीनों की तीनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल कब होती है, जब स्ट्रेट लाइंस की टर्म्स में एक्स वाई की टर्म्स एग्जैक्टली सेम हो या उनका स्लोप सेम हो, तो वो या नहीं हो रहा है। फिर इनमें से कोई भी लाइन कॉन्सिडेंट नहीं है। कॉन्सिडेंट वाला केस समझ लीजिए कैसे होता, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये फैक्टर मैं यहां से हटा दू और यहां से होल स्क्वायर कर दू, सेकेंड वाले फैक्टर पे स्क्वायर कर दू और थर्ड वाले फैक्टर को यहां से हटा दू, तो भी ये F3 तो होता, लेकिन फिर उस केस में ये वाली कंडीशन यहां फुलफिल नहीं होती, क्योंकि जब मैं यहां पर इन दोनों को 0 के इक्वल करता तो मेरे पास 3 स्ट्रेट लाइंस कौन सी बनती, एक तो इसको 0 करने से और 2 बार इसको 0 करने से, 2 बार क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स स्क्वायर, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाती कॉन्सिडेंट, तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब रूल के एप्लीकेबल होने के लिए एक तरह से क्या समझने वाली बात है कि यहां जो फैक्टर्स लिखे हैं उन पे किसी पे मोर देन 1 पावर नहीं होनी चाहिए और सारे के सारे फैक्टर से डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाली बात हम लिखेंगे कि ऐसा हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, हम कह देंगे कि इस कर्म की जो हमारी एसिम्प्टोट्स हैं वो इन तीनों फैक्टर्स को 0 करके मिलेंगी, तो ये इसका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। मतलब हमने इस कर्व पर कुछ भी एल्जेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन कैंसिलेशन लिमिट वगैरह कुछ अप्लाई नहीं की, सिंपली इन तीनों फैक्टर्स को ही लिखकर 0 के इक्वल कर दिया, तो इसको बोलते हैं टू फाइंड एसिम्प्टोट्स बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने से। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा मेथड। अब एक और बात सुनिए, मान लीजिए मैं यहां पर 5x-6y को मिटा दू, केवल 7 मैंने दू, तब भी क्या इस क्वेश्चन की यही एसिम्प्टोट्स होंगी, डेफिनेटली यही होगी, क्यों, क्योंकि ये अभी भी F3 है और ये अभी भी P है, इसको हम P क्यों बोल सकते हैं, अभी क्योंकि P की डिग्री कैसी होनी चाहिए, 3-2 दैट इज 1 से लेस और इक्वल, तो अब इसकी डिग्री 1 से लेस है, 0 है, यानी कि 2 अलग अलग क्वेश्चन लिए दोनों में एसिम्प्टोट सेम आ रही है, 2 अलग अलग कर्व लिए, ओके। अब आप देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम इस मेथड के ऊपर लेते हैं ताकि ये मेथड आपको और ढंग से क्लियर हो जाए। जैसे आप देखिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, ये कर्व है, तो अब हालांकि इसमें फैक्टराइज नहीं है तो हमको यूं लगेगा कि साहब की फाइनल मेथड हम लगा ले, तो वो मेथड हम लगा सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें ये F4 है, और अगर ये F4 है तो क्या मैं इसके फर्दर फैक्टर कर सकता हूं, क्योंकि F4 ये Fn से एसिम्प्टोट नहीं मिलती बल्कि इसके लीनियर फैक्टर से एसिम्प्टोट्स मिलती, तो मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूं, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो x² + y²
और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, उसके फर्दर फैक्टर कर दिए मैंने, और फिर ये जो टर्म है इसको मैं इधर लेके आया। अब आप देखिए, कैन आई कॉल दिस एज एफ फोर? डेफिनेटली इट इज एफ फोर बिकॉज इट कंटेन्स एटलीस्ट वन टर्म ऑफ डिग्री फोर। देन कैन आई कॉल दिस बाई पी? डेफिनेटली आई कैन कॉल दिस बाई पी बिकॉज इट्स डिग्री इज टू। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी देखिए आप थोड़ा सा इस रूल को एक्जेक्टली हम यहां पर अगर हम फॉलो करें तो यहां पर इसके एन लीनियर फैक्टर्स तो नहीं हो रहे। एन मतलब नंबर, एन इज फोर तो उसके फोर लीनियर फैक्टर्स तो नहीं हो रहे, इसके दो लीनियर फैक्टर हो रहे। तो इस केस में भी ये मेथड वर्क करेगा, मतलब बुक में तो एक्जेक्टली यही लिखा है पर प्रैक्टिकली अगर आप इसके एसिम्प्टोट्स फाइंड करें फाइनल मेथड से या लिमिट मेथड से तो इसकी दो एसिम्प्टोट्स निकलेंगी, एक तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो और एक x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, और ये दोनों जो एसिम्प्टोट्स हैं वो इन दोनों को जीरो करके निकल देंगे। इसका मतलब ये मेथड उस केस में भी एप्लीकेबल होता है जब fn के n से कम लीनियर फैक्टर्स भी हो, लेकिन प्रोवाइडेड ये कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए, नो टू ऑफ विच आर पैरेलल और कॉन्सिक्वेंट। तो यहां पर इन इनसे स्ट्रेट लाइंस नहीं रिप्रेजेंट होंगी जीरो करने से, इन दोनों को जीरो करने से स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो रही है। इस केस में हम कहेंगे कि ओनली टू एसेंट्रोट्स ऑफ दिस कर्व एक्सिस्ट एंड दीज आर दीज। तो ये भी आपको एक बात समझने की है। फिर आप देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं फटाफट इसका, क्योंकि यूजुअली इसके ऊपर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इवन ये रूल लिखने को भी आ सकता है। देखिए आप, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, तो फटाफट आप देखिए इधर, इट इज वेरी सिंपल टू ऑब्जर्व दैट कि यहां पर इंस्ट्रक्शन मेथड लगेगा, दिस इज माय एफ टू एंड दिस इज माय पी, अल्फा वन बीटा वन गामा वन अल्फा टू बीटा टू गामा टू गामा थ्री, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इन दोनों को जीरो करने से दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, दोनों स्ट्रेट लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर कॉन्सिडेंट, तो इन दोनों को जीरो करके ही हम रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट हमको मिल गए। तो आई होप कि ये मेथड आपको, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इंस्पेक्शन फाइंड करने एसेम्प्टोट फाइंड करने का थर्ड मेथड, फाइनल मेथड, लिमिट मेथड एंड इंस्पेक्शन मेथड, दीज आर द टोटल थ्री मेथड वी हैव डिस्कस। इसके अलावा फोर्थ कोई मेथड नहीं है। अब हम एसेम्प्टोट के अंदर फर्दर एक नई चीज पढ़ेंगे, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।